ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਔਰ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਮੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਓਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਗੇ ਕਮੇਟੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਖਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ रोक का तो मतलब यह है कि जो मर्जी दुबारे वह दुबारे फिर निकल सकता यह जो सप्प है यह जो जहरीला नाग है ना काले कानून असं मारना चाहते हैं इनू जिंदा नहीं रखना चाहते असी पंजाब के जिद कैप्टन मुख्यमंत्री ना मीटिंग से मान बचा के बह गए अस उठाया बिच भी इन बिच नहीं बिठाना असं हाजरी मीटिंग नहीं करनी कोई मंजूर नहीं जी भविंदर सिंह मान का उनकी राजपथ पर जी उनकी परेड है उनके बच्चे उनमें खल पालने के लिए जाओ उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाएंगे और बहुत थां है और बहुत रोड है और बहुत खुले ग्राउंड है वहां जाएंगे खेती कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट वालों अगली कार्रवाई तक रोक लगा दी गई है तो चार मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है साढ़े नाल सुरजीत सिंह फूल ने उन्होंने करदे गल किस तरह देखते हैं हमारे साथ हैं फूल साहब जो कोर्ट ने कहा है एक तो कानून के अमल पर रोक लगाई है और कमेटी का गठन किया है क्या आप लोग की प्रतिक्रिया देखो जी असें 8 जनवरी की जो मंत्रियों की कमेटी की मीटिंग से थोड़ा हिंदी में सर मंत्रियों की मंत्री के जो अपनी कमेटी बनी हुई है सम्मति बनी हुई है 8 जनवरी को किसान जथेबंदियों की मीटिंग थी उस मीटिंग में ही हम कह दिया तीन बात कह दी थी एक तो असी ये कह दिया था भाई जे सुप्रीम कोर्ट में असी कोई रिट नहीं किया कोई असी पटीशन नहीं पाई किसी और ने पाई हुई है जे उस और की पटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कानूने के पक्ष में ये जो तीन काले कानून इनके पक्ष में कोई फैसला करेगी तो असं डिसओवे करांगे असं 8 जनवरी नूं कहता सी ठीक है आज कोर्ट ने जो कहा है उस पर रिएक्शन दीजिए ना कानून के अमल पर रोक लगाई है और कमेटी गठित की है इस पर क्या रिएक्शन है देखो जी ये भी असं कहता सने तोमर ने सूँ कहा भी आप कानून पर फोल्ड कर दें आप डिस्कशन कमेटी बना लो जिन्ना चर डिस्कशन कमेटी की डिस्कशन होएगी उतने चर लिए रिपील नहीं करेंगे उन्ना चर सस्पेंड कर देंगे जनू कहते जी होल्ड कर देते हैं होल्ड मतलब फ्रीज कर देने ठंडे बस्ते पा देने ठंडे बस्ते में डाल देते हैं तो असी उस दिन ही रद्द करता सी भी ना असी ठंडे बस्ते में डलाना ना असी कमेटी बनानी है कमेटी में जो डिस्कशन होनी सी वो असी 8 मीटिंगा च कर ली डिस्कशन पूरी सफिशेंट हो चुकी है इसको रद्द करो मैं फिर से आपको आज के कोर्ट के फैसले पे ला रहा हूँ कमेटी सरकार वाली नहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है चार नाम है आपको मालूम है उस कमेटी को लेकर के क्या कहना है देखो जी कमेटी का जो बनाई है उसका एजेंडा क्या है कोई ना कोई विषय सब्जेक्ट एजेंडा होता है ना उसका एजेंडा जे हो एजेंडा जे देती कमेटी बई भाई रिपील तुसी क्यों करवाना चाहते हैं असी जा बढ़ते वह कहते रिपील की बात ना करो ये जो खामियां है कमेटी दस दिए कमेटी से बात करने खामियां दसन की खातर सौदा कराने की खातर असं नहीं जाएंगे ठीक है बिल्कुल कमेटी के पास नहीं जाएंगे आप लोग नहीं जाएंगे एजेंडा तो ही है नहीं उसका रोक लगाई है उसका स्वागत करेंगे रोक जो लगाई है कानून पे या उसका भी स्वागत नहीं करेंगे रोक रोक का कोई समय है अगली सुनवाई तक अगली सुनवाई च रोक चक्की जाऊगी मामला ज्यौदा त्यों यह टैंपरेरी रोक से असं तो पक्के तौर पर खत्म करवाना चाहते हैं पक्की असं रोक भी नहीं लगाना चाहते रोक का तो मतलब यह है कि भी जो मर्जी दुबारे वह दुबारे फिर निकल सकता यह जो सप्प है यह जो जहरीला नाग है ना काले कानून असं मारना चाहते हैं इनू जिंदा नहीं रखना चाहते जो चार नाम है कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान है गुलाटी है जोशी है इन 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 नामों पर आपको आप लोगों को कुछ कहना है भूपेंद्र सिंह के नाम पर कहना है भूपेंद्र सिंह मान 1984 में जब बीडी पांडे का घराव हुआ था किसान जथेबंदी ने किया था उस समय हमारे प्रेसिडेंट सी पंजाब के पर उसके बाद 1990 की बात है वो भूपेंद्र सिंह मान हमारा साथ छड़ गया वो जो साम्राज्य पक्षी कारपोरेट पक्षी पॉलिसियां है WTO है उनका खुली मंडी है उनका सपोर्ट करने लगा और वो सपोर्ट करने के कारण ही उनको राज्यसभा की मेंबरी दी गई सी असी उधर गदारी पत्ता कहते थे भी जिन्हें गदारी पत्ता लिया राज्यसभा की मेंबरी नहीं ली इस करके साडा वो जिहड़ा मान है जिन्होंने गदारी की है असी पंजाब दे विच जिद्दां कैप्टन मुख्यमंत्री नाल मीटिंग सी मान बचा के बह गए असी उठाया बिच भी इन बिच नहीं बिठाउणा असी इहदी हाजरी च मीटिंग नहीं करनी आप लोग को मंजूर नहीं है कोई मंजूर नहीं जी भूपेंद्र सिंह मान का अशोक गुलाटी अनिल गनवटे प्रमोद जोशी इनके बारे में क्या कहना है इनके बारे में इन्हां दे क्या हिस्ट्री है की है ये
उसका कोई डाटा नहीं पता इसके, इसलिए अभी उसके बारे नहीं कह सकते। भूपेंद्र सिंह मान को अच्छी तरह जानते हैं, वो हमें नहीं मंजूर है। दो चीजें और आई, 26 जनवरी के परेड को लेकर के बात उठी और कोर्ट जो है वो आप लोगों को नोटिस जारी भी करेगा इसके बारे में। आशंका यह है कि उससे परेड डिस्टर्ब हो सकती है, जो देश की परेड निकलती है राजपथ पर। राजपथ पर असि नहीं जाएंगे ना उनके, हाँ असि राजधानी में जाएंगे। राजधानी में जाकर अपना साडा यह रैली वो होएगी, असी परेड कहा वो परेड के बिच नहीं जाएंगे उनकी परेड में। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? राजधानी में और बहुत थां है, लेकिन जाएंगे जरूर, जरूर जाएंगे। उनकी राजपथ पर जिहड़ी उनकी परेड है उनके बिच उनमें खल पालने के लिए जाओ, उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाएंगे। और बहुत थां है और बहुत रोड है और बहुत खुले ग्राउंड है, वहां जाएंगे। आखिरी में फूल साहब, इस आंदोलन को लेकर तरह तरह के सवाल कई बार उठते रहे, आज कोर्ट में भी एक सवाल उठा एक वकील ने, इसको खालिस्तानी शब्द से जोड़ा, इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस संगठन का नाम लिया, ये कहा गया कि कुछ अलगाववादी संगठन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी है इस आंदोलन में, क्या इस पर जवाब देंगे? ये जी पहली बार ने यह आरोप लगाया गया, यह हमारे जो आंदोलन है हमारा जो मोर्चा है इस पर पहले कितनी बार यही रोप लगा है, कितने कहते हैं खालिस्तान ने इसको किडनैप कर लिया। जवाब दीजिए ना, क्या कहेंगे है? असी उसको कहते हैं भी यह बेबुनियाद आरोप है साडे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसकी जो अगुवाई है, इसकी कमांड है, वो सिर्फ ते सिर्फ किसान जथेबंदियों का जो संयुक्त किसान मोर्चा वही कर रहा है, जो वो कहेगा वही होएगा और नहीं होएगा। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते। ठीक है, तो मैं मीटिंग दे विच बार बार। हाँ जी, यह सन सुरजीत सिंह फूल जी का कहना है कि असी जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उस तो कोई आस नहीं करते, कमेटी का काम है सतों उस च गलतियां देखना ते उस च सोध दी गल करनी, पर असी ये कानून ने जिहड़े इन्हां नूं बिल्कुल रद्द चाहुंदे आ, ते इसलिए ये अंदोलन जारी रहेगा जदों तक कानून रद्द नहीं होणगे। ये अंदोलन इदां ही जारी रहेगा, ते 26 तरीक नूं जो ट्रैक्टर मार्च आ वो भी कढ़िया जाऊगा। कैमरामैन जतेंद्र टिवाणा दे नाल मनविंदर सिंह टिवाणा, पंजाबी लोक चैनल, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली। मेरा नाम नीलम है, मेरे घर वाले नाम सरदार सूबा सिंह, असीं पिंड आले वाले दे रहने वाले हाँ, फिरोजपुर जिला फिरोजपुर। तो मेरे कैंसर हो गया सी 2000 विच, तो मैं पी जी आई चंडीगढ़ तो इलाज करवाया सी जी, उत्थे ऑपरेशन किया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता, तो इलाज होने तो बाद मैं 2 साल बाद फिर कैंसर फुट पिया। फिर मैंने इन्होंने दस्या रोमोस्टैटिक वालों का, फिर मैं इतने चली गई, तो इतने मैंने जाने उन्होंने 8 दिन की दवाई दी, तो 8 दिन बाद मैं थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया कि मैं पहला ऐसा कि नहीं बचती, फिर मर के जो इन्हें दवाई दी तो मैं बहुत फर्क पै गया, 8 दिन जी थोड़ा जहा पैना फर्क हो गया। 3 महीने का इलाज से इन्हों का भी, 3 महीने से दवाई खवावे फिर ठीक करेंगे तेन, वो 3 महीनों के भी मैं 8 दिन घट ही खाधी दवाई तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। फिर मैं इतों बागी तो करवाया, सीटी स्कैन करवाई, सारे टैस्ट दोबारा करवाए भी कैंसर हो फिर रहता नहीं गया कि, वो कहते नहीं जी हूँ तू बिल्कुल ठीक है।